हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। हम लोग सीख रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस सीखने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। उससे पहले एक अच्छी सी लाइन क्या लिखी हुई है, छात्रों की क्षमता का यदि हनन करना हो तो उन्हें रटने में लगा दो। रटना एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम लोगों को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है ना। रटने से काम नहीं चलने वाला है। सीबीएसई वाले नहीं बनना है रट्टू तोता, ठीक है। आराम से समझते हुए, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ाई लिखाई किया कीजिए। देखिए, ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। इसका जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है वो इस स्ट्रक्चर पे बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हैड होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में क्या यूज होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये सभी सभी टेंसेस का पैटर्न होता है यही। चेंज क्या होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो अवस्था लगी होती है, यानी कौन सी फॉर्म लगी होती है, वही चेंज होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसे कि हमने बाकी टेंसेज में किया था, सबसे पहले कौन सा काम किया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो हम सबसे पहले ले लेंगे, और वैसे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, लेकिन इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो आपको लगानी है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सभी के साथ में क्या आएगा? हैड बीन आएगा। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में क्या लगाओगे? बाई सब्जेक्ट। इसके बाद में जो कुछ भी कॉम्प्लीमेंट बचता है वो आप लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट लिखा रहता है, इतने शब्दों के बाद में जो कुछ बचा तो उसे सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है आपको? यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस, ये तो हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिख लिया, सी हैड रीड हर पोएम। उसने अपना पोएम जो है ना वो पढ़ लिया है, उसने अपना पोएम पढ़ लिया है। तो इसे जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? देखिए पैटर्न में क्या लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढ के बाहर निकालना है। बताइए क्या ऑब्जेक्ट है? ढूंढिए। हर पोएम है ना, सी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीड क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर पोएम। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हर पोएम। सहायक क्रिया क्या लगेगी? हैड बीन। हर पोएम हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की बेस फॉर्म जो होती है वो भी रीड ही रहती है, सेकेंड फॉर्म भी रीड ही रहती है, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड रीड रीड। तो हर पोएम हैड बीन रीड बाय सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो सी है, सी को हम लोग चेंज कर लेते हैं हर में, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंज पहले वाले क्लास में दिया गया था, अगर जो वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैड नॉट मेड अ नॉइज, क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट मेड अ नॉइज, उन्होंने शोर नहीं मचाया था। तो ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा हमको? अ नॉइज। क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा? अ नॉइज। अ नॉइज का मतलब शोर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी? हैड नॉट, ये देखो निगेटिव है तो निगेटिव में पैसिव वॉइस बनेगा। अनवाइज हैड नॉट बीन, फिर हो गया अपना मेड, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। अनवाइज हैड नॉट बीन मेड बाई सब्जेक्ट, दे था तो दे को चेंज कर लिया जाता है किसमें? देम में, ठीक है ना। आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट,
हरी हैड नॉट बॉट अ न्यू स्कूटर। ये हमने लिखा, हरी ने एक नया स्कूटर नहीं खरीदा है, खरीदा था, ठीक है ना, हैड है, पास्ट परफेक्ट है। हरी ने एक नया स्कूटर नहीं खरीदा था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ न्यू स्कूटर हैड नॉट बीन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ न्यू स्कूटर, एक नया स्कूटर, हैड नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो मेन वर्ब है हमारे पास क्या है, बॉट है ना, बाई की थर्ड फॉर्म है ये, बाई माने खरीदना होता है, बाई की थर्ड फॉर्म हो गई बॉट। ए न्यू स्कूटर हैड नॉट बीन बॉट बाई, किसके द्वारा, हरी के द्वारा। नंबर फोर, हैड राम, हैड राम नॉट ईटन द फूड बिफोर आई केम। इसको ध्यान से देखिए सेंटेंस को, एक तो ये इंट्रोगेटिव है, दूसरा इसमें डबल सेंटेंस है, एक अपने पास प्रिंसिपल क्लाज है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज है, यानी एक मुख्य वाक्य है और एक उपवाक्य है। तो पैसिव वॉइस किधर बनाएंगे, इधर या इधर, पैसिव वॉइस हमेशा किस में बनती है, प्रिंसिपल क्लाज में, यानी इतने सेंटेंस में हमको पैसिव वॉइस बनानी है, हैड राम नॉट ईटन द फूड। बाकी का जो पैटर्न, बाकी का जो शेष पार्ट बचा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसे सेम टू सेम लिखना है, ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले तो इस पे ध्यान दो, ये इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा, वो भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या उठाना है, द फूड, ठीक है ना। तो द फूड से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले हुआ है, यानी वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में ही आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हेड लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखिएगा, क्या है ऑब्जेक्ट, द फूड, हैड द फूड, फिर देखो आगे नॉट है, और अपनी सहायक क्रिया आधी जो बची थी ना, देखो डबल सहायक क्रिया हैड है और बीन है, तो जब इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो उसमें जो अपना ऑब्जेक्ट है ना उसको बीच में रखते हैं, हैड पहले बीन बाद में, अगर जो नॉट भी है तो बीन से पहले नॉट लगाना है, हैड द फूड नॉट बीन। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, क्या हो जाएगी, ईटन, हैड द फूड नॉट बीन ईटन। अब क्या लिखना है, बाई सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट क्या है, बाई राम, आगे जोड़ दीजिए बिफोर आई केम। नंबर फाइव, हैड ही मेड अ नॉइज इन द क्लास, क्या उसने कक्षा में शोर मचाया था। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट हो गया, मेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ नॉइज। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अ नॉइज, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है अपना, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी कैसी बनेगी, इंट्रोगेटिव बनेगी, हैड अ नॉइज। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट से, तो हैड अ नॉइज, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बीन, ठीक है, हैड अ नॉइज बीन मेड बाय ही था सब्जेक्ट, तो ही को चेंज कर लिया हिम में। फिर आगे जो क्या बचा, इन इन द क्लास, यहाँ पे द लगा लीजिए, इन द क्लास, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना सेंटेंस। फाइव एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखे, और देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। नेक्स्ट सिक्स नंबर देखो, राजेश
हैड नॉट लर्नड हिज लेसन बिफोर बिफोर सनसेट। ठीक है ना, राजेश ने सूर्यास्त से पहले अपना पाठ याद नहीं किया था। तो आप जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट, हिज लेसन, और वाक्य अपना कैसा है, निगेटिव है इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है ना, क्योंकि हैड बाद में लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव होता तो हैड कहाँ पे लगा होता, पहले लगा होता। तो जब निगेटिव है तो केवल निगेटिव में ही बनाइए, हिज लेसन। ऑब्जेक्ट लिख लिया और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, हैड नॉट बीन, हिज लेसन हैड नॉट बीन। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाओ, लर्नड बाय राजेश, और जो बचा वो लिख लो लास्ट में, क्या बचा, बिफोर सनसेट इंट्रोगेशन। सेवेंथ, हु हैड कॉल्ड यू बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले तुम्हें किसने बुलाया था। तो देखो ये हु आया है, हु जो है ना ये एक तो वाक्य का सब्जेक्ट है और साथ साथ में क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट होने के नाते इसे लास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड भी है तो ये पहले ही रहेगा, और इससे पहले किसका यूज हो जाएगा, बाई का, और हु को चेंज कर देंगे होम में। ठीक है, ये कई बार बताया जा चुका है, हु को बाई होम में चेंज कर देते हैं, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई होम। अब इस इतना लिखने के बाद में आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, यू से पहले अपने को सहायक क्रिया लगानी है, कौन सी, हैड बाय होम हैड, फिर ऑब्जेक्ट लिखो यू। अब सहायक क्रिया का जो सेकेंड पार्ट था बीन, वो लिखिए, बाय होम हैड यू बीन। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, बाकी जो बचा उसे लास्ट में लिख दो, बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, नेक्स्ट एट नंबर, व्हाट हैड सारिका ईटन बिफोर हर मदर, बिफोर हर मदर वेंट, मतलब उसकी माता के जाने से पहले सारिका ने क्या खाया था। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, और क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया है, व्हाट आया है, व्हाट जो है। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, इसमें क्या है, व्हाट हैड सारिका ईटन, सारिका ने क्या खाया था। तो ये जो क्या शब्द है, ये एक तो क्वेश्चन वर्ड है, साथ साथ में क्या है, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट भी है, सारिका ने क्या खाया था। ठीक है ना, तो सारिका क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, क्या क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है तो वैसे भी पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसी के पास आ जाएंगे दोनों, व्हाट हैड बीन। देखो दोनों में डिफरेंस, इसमें जो था ना ऑब्जेक्ट बीच में लगा हुआ था, हैड यू बीन, इसमें क्या है, दोनों एक साथ आ गई, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट ही हमारा यही है व्हाट है ना, तो इसीलिए ये दोनों हेल्पिंग, दोनों जो सहायक क्रियाओं के अलग अलग पार्ट हैं, दोनों साथ में ही आ गए, व्हाट हैड बीन। अब क्या बचा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बची, ईटन, व्हाट हैड बीन ईटन बाय सारिका बिफोर। अब आगे जो बचा उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बिफोर हर मदर, बिफोर हर मदर
वेंट। ये कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस में। व्हाट हैड बीन ईटन बाय सारिका बिफोर हर मदर वेंट, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल। देखिए नाइन, व्हेन हैड टीचर टेकन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर द प्यून रैंग बेल। ध्यान से पढ़ो। व्हेन हैड टीचर टेकन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर प्यून रैंग द बेल। ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। व्हेन हैड टीचर टेकन हिज ब्रेकफास्ट बिफोर प्यून रैंग द बेल, यानी चपरासी की घंटी बजाने से पहले अध्यापक महोदय ने नाश्ता कहाँ पर किया था, कहाँ पर नहीं सॉरी कब किया था। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसे सेम टू सेम लिख लो। व्हेन लिख लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रेकफास्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? हिज ब्रेकफास्ट। तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, है ना। क्या हो गया? व्हेन हैड, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट हिज ब्रेकफास्ट। व्हेन हैड हिज ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय टीचर बाई टीचर बिफोर प्यून। अच्छा यहाँ पे दा लगाना चाहो लगा लो, क्योंकि टीचर महोदय हैं, ठीक है ना। बिफोर द प्यून रैंग बेल, ये बन गया, ठीक है। अगला 10 नंबर आपको बना के कमेंट करना नीचे। ये हमने लिख लिया हु हैड टॉट यू ग्रामर बिफोर द सन रोज। सूर्य निकलने से पहले आपको ग्रामर किसने पढ़ाया था, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि समझ में आ गया हो तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट, और साथ में एक सब्सक्राइब भी।